तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो Z1 प्रो के एक सबसे बेहतरीन फीचर्स के बारे में, जो कि देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और बेहद बेहद इम्पोर्टेंट भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक देखोगे तभी आप उस फीचर के बारे में पूरी डिटेल्स में जान पाओगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उस फीचर को देखने के लिए चलना होगा सीधे अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑन करना होगा, सिंपली से चले जाना होगा मोर सेटिंग्स में। अब मोर सेटिंग्स में जाते ही आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्वाइप अप करना है, और नीचे की तरफ स्वाइप अप जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे एक फीचर दिखेगा ई वारंटी कार्ड। तो आपको सिंपली से ई वारंटी कार्ड में चला जाना है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि योर ई वारंटी कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है ई वारंटी कार्ड आपको फ़ोन को इनेबल करना है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि ई वारंटी कार्ड जो है वो हमारी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ई वारंटी कार्ड का मतलब ये है कि आपने मतलब फ़ोन खरीदी, ऑनलाइन खरीदी, वीवो Z1 प्रो तो ऑनलाइन ही आ रही है तो लोग ऑनलाइन ही खरीदे होंगे, या फिर ब्लैक मार्केटिंग से आप लोग जो है ऑफलाइन में कुछ लोगों को खरीदे होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ आप फ़ोन खरीदते हो तो आपके उसके साथ कोई रिटेलर या फिर कोई भी ऑनलाइन पे आपको बिल मिलता है। तो होता है ना कि कभी आपने आपके बिल जो है वो कभी गुम हो गई है, तो आपके कभी भी अगर बिल गुम हो जाती है तो उस टाइम में अगर आपने ई वारंटी कार्ड को इनेबल करके रखी है तो क्या होगा कि आपको मतलब कोई भी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर्विस टाइम में। अगर आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है वारंटी पीरियड में या फिर कभी भी, तो आपने अपनी फ़ोन को सिर्फ ई वारंटी कार्ड अगर उसको दिखाओगे सर्विस सेंटर वालों के, तो क्या होगा कि आपकी फ़ोन की सर्विसिंग हो जाएगी विदाउट बिल के। तो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन कम्प्लीट करके रखी है, फिर भी यहाँ पर कम्प्लीट इंफॉर्मेशन करना है। तो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन करने के बाद अगर आपने कुछ समय पहले ही किया होगा इस पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा इनेबल ई वारंटी कार्ड। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करनी है, यहाँ पे अपना नेम डालना है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। तो यहाँ पे कुछ आपको सारी डिटेल्स, यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगेंगे उसको फिल करने के बाद आपका बर्थ डेट वगैरह ये सब, मेल वगैरह ये सब करके, और यहाँ पे सबमिट कर देना। आप सिंपली से आप जब यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपकी वारंटी कार्ड जो है वो हो जाएगी इनेबल। और उसके बाद इनेबल हो जाने के बाद दोस्तों ये आपकी डन हो जाएगी, और यहाँ पे लिख देगी इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं जैसे मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिख देगा दोस्तों कि देखिए इक्विवेलेंट टू अ पेपर वारंटी कार्ड, द पेपर वारंटी कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सर्विस। मतलब आपकी यहाँ पे सर्विस की टाइम में जो है वो कोई भी पेपर वारंटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इनेबल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको फ़ोन मॉडल रिव्यू और यहाँ पे IMEI कोड जो है आपकी वो आ जाएगी। तो इससे समझ लेना कि आपकी जो वारंटी कार्ड है वो इनेबल हो चुकी है फ़ोन की। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन फीचर, आपको इसको इनेबल करना ही करना है। सेटिंग में जाना है, फिर मोर सेटिंग्स में जाना है, और ई वारंटी कार्ड में आपको जाके यहाँ से इनेबल करना है। काफ़ी लाजवाब फीचर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, ये फीचर आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो ही बना ही देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके फ़ोन की इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।